गेट पर नहीं पूरे खानसान में हाई अलर्ट पे रहे। नमस्कार दोस्तों, फाइनली रेबेल स्टार प्रभास की सालार मूवी के 2N ट्रेलर को भी रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सालार मूवी के दूसरा ट्रेलर जो कि रिलीज ट्रेलर है, उस ट्रेलर को भी रिलीज किया गया है और ये ट्रेलर पहले ट्रेलर से भी धमाकेदार है। दोस्तों सालार मूवी के 2N ट्रेलर को किस तरह से एक्सप्लेन की जाए, मतलब किसी ने सही कहा था, रेबेल स्टार प्रभास सालार मूवी के अंदर इज लाइक डायनासोर, खुद अकेला सबको हिला के रख देता है भाई, तूफान के बराबर। प्रभास मतलब रेबेल स्टार प्रभास की एंट्री मतलब सिर्फ हाई ऑक्टेन एक्शन और साथ ही मूवी के BGM और आउटस्टैंडिंग सिनेमेटिक। आपने KGF चैप्टर 2 देखा होगा, थिएटरों के अंदर मूवी देखने के दौरान शायद ही आपने किसी और किसी चीज के बारे में सोचे होंगे, ठीक उसी तरह सालार उस लेवल की मूवी बनी है दोस्तों, जिसमें हर एक सेकेंड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड विजुअली एक ट्रीट है। दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है सालार मूवी को सेंसर्ड बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफाई मिला है, यू ए सर्टिफाई नहीं मिला है, मतलब एडल्ट्स ओनली। प्रशांत नील सर जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनको कहा गया था इस मूवी से आप सिर्फ 2 मिनट काट कर दे तो मूवी को यू ए सर्टिफाई मिलेंगे। प्रशांत नील सर ने 2 मिनट काटने से भी इनकार कर दिया है, मतलब भले ही ए सर्टिफाई मिली हो मूवी को पर 2 मिनट भी काट नहीं किया जा सकता इस मूवी से। तो कहने का मतलब है मूवी बहुत ही खास है, मूवी के अंदर हर सेकेंड हर मिनट बहुत खास है और मुंबई पे देखा गया है कि 122 फीट के काट आउट बनाया गया है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। सालार मूवी के 2N ट्रेलर में एक हिंट देखने को मिले, जैसे कि यह मूवी सालार सेसफायर पार्ट 1 है और इसमें गहरी दोस्ती दिखाई है, दोस्त के खातिर क्या क्या नहीं करते, लेकिन सेसफायर 2 में यानी सालार 2 में अपने दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती के साथ ही दुश्मनी होंगे। तो सालार पार्ट 2 में दो दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे, क्या क्या देखने को मिलेंगे। और आज जो 2N ट्रेलर रिलीज हुआ है, इस ट्रेलर को रिलीज करने के बाद इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग है बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। ऐसे आपने इस मूवी के 2N ट्रेलर को देखा है या नहीं कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, अगर आपने देख ही लिया है तो बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, टेक केयर, बाय दोस्तों।